जैसे कि मैंने ये वर्मी कंपोस्ट इस बैग में निकाल के रखा था, तो केंचुए भी इसके साथ निकल आए थे। मतलब कितना भी कोशिश कर लो आप, थोड़े बहुत केंचुए तो खाद में आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो अब मैं इस बैग को उठा के आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। ये मैंने बैग उठाया और आप देखिए, जितने भी केंचुए इस बैग में आए थे ना, वो नीचे होते हुए ये ज़मीन पर आ गए। तो ये एक तरह से मुझे फ़ायदा हुआ। अब मैं इनको निकाल के ना बेड पर डाल दूँगा। अगर मैं ये बाहर नहीं निकलते ना, तो ढेर लगा के कट देते हैं, इकट्ठा करते हैं ना गोबर को, तो उसमें ये मर ही जाते, क्योंकि नमी वमी इतनी मिल नहीं पाती और फिर वहाँ भोजन भी नहीं मिलता इनको खाने के लिए, तो मर जाते। और ये अभी क्या है, मैं सारे कलेक्ट करके ना, कई सारे बोरे हैं, सबको ना बेड पर डाल दूँगा। तो ये एक नई टेक्निक सीखा मैं कि आपको अगर अपने केंचुए पूरे पूरे बचाने हैं ना, एक भी वेस्ट नहीं करना है, तो आप ऐसे बोरी में रखें, दो चार दिन उसको स्टोर रहने दें, बाकी सारे केंचुए आपको नीचे पॉलीथीन बिछा दें, आपको मिल जाएंगे। तो एक सही टेक्निक लगी मुझे, जैसे मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, पर तुक्के में जो हो गया अच्छा हुआ। तो आप भी ऐसे देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चैनल की जानकारी अच्छी लगती हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।